हेलो दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2022 और 6 अगस्त 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा से संबंधित कौन सी महिला ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सावित्री जिंदल इस इंडेक्स के मुताबिक एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जिंदल समूह की चेयरमैन सावित्री जिंदल चीन की यांग हुआन को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में सावित्री जिंदल की संपत्ति 11.3 अरब डॉलर है, जो कि करीब 89,000 करोड़ रुपए है, और दुनिया के अमीरों में सावित्री जिंदल को 164वां स्थान मिला है। अब दोस्तों, जिक्र हुआ था सावित्री जिंदल का, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। विश्व इस्पात संघ ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए इस वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। और ये सज्जन जिंदल सावित्री जिंदल के बेटे हैं। और हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 की भारत के टॉप 100 सर्वश्रेष्ठ अमीरों की जारी सूची में हरियाणा राज्य से सावित्री जिंदल को स्थान मिला था। दोस्तों, इस सूची में भी इसका नाम शामिल किया गया था और इस सूची में दोस्तों ये महिलाओं में पहले स्थान पर थी और ओवरऑल इंडिया में 7वें स्थान पर थी। और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। और जो भी करंट अफेयर बची उसको आपको आगे करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का लोगो और वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या फिर HSIIDC का पुनः डिजाइन लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। अब जिक्र होता वेबसाइट का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। 25 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया था और हरियाणा स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की नई वेबसाइट की शुरुआत है इस अथॉरिटी के चेयरमैन समीर पालसरो के द्वारा गुरुग्राम से की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा तलवारबाजी संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनु कपिला को हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को बनाया गया है और जबकि जितेंद्र जागलान को इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का और एसोसिएशन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का नया अध्यक्ष हाल ही में विक्रमजीत सिंह को बनाया गया था। हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु है और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का हाल ही में नया अध्यक्ष हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा? तो ये बैंक बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहतक जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। रोहतक PGI में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनेगा। उपकरण खरीदने के लिए 25 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। अब जिक्र हुआ था बैंक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हरियाणा के करनाल और नीलोखेड़ी में बासमती चावल पर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से जुड़े
डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए नीरज चोपड़ा को अपने अभियान से जोड़ा था, और गुरुग्राम शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए डॉक्टर सारिका वर्मा ने क्रोकरी बैंक सेवा भी शुरू की थी। अब जिक्र होता प्लास्टिक का, तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों 1 जुलाई 2022 से हरियाणा में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आपको ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस देश के सहयोग से कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए इक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा देश के सहयोग से सहायता से। अब जान लेते हैं, हरियाणा में कार्बन क्रेडिट है के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए कनाडा के सहयोग से इक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, और इस इक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को हरियाली और कार्बन क्रेडिट के बारे में जानकारी, उपयोग और प्रयोग मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों सेंटर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार साइबर सिटी गुरुग्राम में वर्ल्ड स्किल सेंटर भी स्थापित करेगी, और हिसार जिले में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, और भारत का पहला विश्व शांति या फिर वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा से संबंधित कौन सी महिला ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है? तो सावित्री जिंदल है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का लोगो और वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। नेक्स्ट है, हरियाणा तलवारबाजी संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनु कपिला को बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपके लिए जुलाई 2022 की फुल हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी विद पीडीएफ फाइल। अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा? तो रोहतक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस देश के सहयोग से इक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कनाडा के सहयोग से। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के अगर विजन या टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने कब बनाई थी? 1967 में, और इसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना चालू हालात में रेल इंजन कौन सा था? तो फेरी क्वीन है, रेवाड़ी में है, और हरियाणा में पहली रेल या ट्रेन चली थी 14 फरवरी 1873 को। नेक्स्ट है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो नलड़िया मेवात में है। नेक्स्ट है, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 1966 को। नेक्स्ट है, सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष में बनना शुरू हुई थी? 1976 में। नेक्स्ट है, सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था? रेवाड़ी में खुला था। पहला खुला था 1961 में करनाल के कुंजपुरा में। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 800 573 है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसके द्वारा की थी? तो 1973-74 में आर बिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, सिरसा की मंजीयन परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो बागवानी के तहत 2008 में स्थापित या शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, सिरसा जिला कब बना था? 26 अगस्त 1975 को। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो विजय वर्धन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी प्रशांत मलिक ने त्रिवेंद्रम में खेली गई इंडियन ग्रां प्री 2 में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, पंचकुला में शहीद आजम भगत सिंह के नाम से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किसने किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी धर्मवीर नैन ने 13वीं फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। धर्मवीर सोनीपत से बिलोंग करते हैं, और दोस्तों क्लब थ्रो में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में होलसेल के लिए मछली मार्केट स्थापित किया जाएगा? तो झज्जर में, जबकि गुरुग्राम में भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के लिए कौन सी परिषद का गठन करेगी? तो कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी संजीव कुमार ने दिल्ली में हुई
जोनल पैराशूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कैसे पदक जीता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों को सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया था, तो 5 को दोस्तों। कौन कौन से है वे हरियाणा से, हिसार, रोहतक, जींद, गुरुग्राम, फरीदाबाद को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का आईएम संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चर्चा का विषय बना था, तो रोहतक जिले का संस्थान है। और एक गुरुग्राम में दूसरा स्थापित किया जाएगा, पहला दोस्तों ये रोहतक में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर मंगल सैन कृषि विज्ञान संग्रहालय बनाए गए हैं, तो हिसार के चीन यूनिवर्सिटी में। अब साथ ही साथ दोस्तों कल वाली हरियाणा पिछली हरियाणा का फिर रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दुष्यंत चौटाला का दोस्तों, और इसे लगातार तीसरी बार इस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह ने 6 दिन में एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं नरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सूरज ने इटली में हुई अंडर 17 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो सूरज ने गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है, रोहतक से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बनी चैन समिति में शामिल किया गया था, तो नकुल देव को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा इंस्पायर अवार्ड 2022 मिला है, तो रघुवीर सिंह दुमन को मिला है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस व्यक्ति को चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन हरियाणा के व्यक्ति माधव कौशिक को बनाया गया, और ये भिवानी से बिलोंग करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जल संसाधन और प्रबंधन के लिए कौन सा देश सहायता करेगा, आपको कमेंट करना है, और जल से संबंधित कुछ हाल ही के इंपॉर्टेंट पॉइंट या योजनाओं के बारे में बताने की कोशिश करना। और अगर आपको 1 या 2 साल या जुलाई 2022 के हरियाणा का फिर की PDF चाहिए, तो उसका लिंक नीचे दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।